कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन के बीच अब हरियाणा सरकार पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। सीएम मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार में सहयोगी जेजेपी नेता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। चौटाला ने कहा है कि किसानों को एमएसपी जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वो इसे सुरक्षित न रख सके तो इस्तीफा दे देंगे। हालांकि जेजेपी विधायकों का एक धड़ा दुष्यंत से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। पार्टी में किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में बीजेपी से समर्थन वापसी की चर्चा भी शुरू हो गई है। 10 में से 7 जेजेपी विधायक पहले ही कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का समर्थन कर चुके हैं। बदले हालात में कांग्रेस को अपने लिए मौका नजर आ रहा है। विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में सत्ताधारी बीजेपी के पास 40 सीटें, कांग्रेस के पास 31 सीटें, जेजेपी के पास 10 सीटें हैं। इसके अलावा हरियाणा लोकहित पार्टी के पास 1, INLD के पास 1 और 7 सीटें अन्य के पास हैं। पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर केंद्र सरकार कड़ी कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है। इस मामले में पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्रालय को राज्य में कानून व्यवस्था के हालात पर रिपोर्ट भेजी है। टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में केंद्र कड़ी कार्रवाई कर सकता है। बंगाल के डीजी और मुख्य सचिव को तलब किया गया है। गुरुवार को कोलकाता के डायमंड हार्बर इलाके में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव की घटना हुई थी। इसके बाद राज्यपाल जेपी धनखड़ ने आरोप लगाया था कि राज्य में सरकारी मशीनरी पूरी तरह फेल हो चुकी है, तो वहीं ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की नौटंकी करार दिया था। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अभी जेल में ही रहना होगा। चारा घोटाले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई फिर टल गई। अब झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले पर 6 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू की ओर से दायर जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन दोनों ही पक्षों की ओर से समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि सजा की अवधि को लेकर सर्टिफाइड कॉपी न मिलने के कारण अदालत की ओर से समय देने की मांग की गई। दूसरी ओर सीबीआई की ओर से बताया गया कि उनके अधिवक्ता की मां का निधन हो गया है, इस कारण उन्हें समय चाहिए। अब इस मामले की सुनवाई 22 जनवरी के बाद होने की उम्मीद है। भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध होने में देरी हो सकती है। वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने इमरजेंसी यूज अप्रूवल के लिए अप्लाई तो किया है, लेकिन पर्याप्त डेटा मुहैया नहीं कराया। उन्हें ये डेटा सौंपने में कुछ हफ्ते और लग सकते हैं। ऐसे में भारत के ड्रग रेगुलेटर की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी की अगली बैठक इस साल होने की संभावना न के बराबर बची है। इसका सीधा असर देश में COVID-19 टीके की उपलब्धता पर देखने को मिल सकता है। एक अधिकारी ने हमारे सहयोगी द इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में कहा कि गेंद अब कंपनियों यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के पाले में है। उन्हें डेटा सामने रखना होगा। आपको बता दें कि 10 सदस्यीय पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की एप्लीकेशन को मंजूरी नहीं दी थी। बुधवार को ही बैठक में दोनों कंपनियों से ट्रायल से जुड़ा और डेटा मांगा गया। एक अधिकारी ने कहा कि समिति पूरी सावधानी से इस प्रक्रिया का पालन करा रही है और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मामला लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। देश में कोरोना की रफ्तार तो काफी हद तक थमती नजर आ रही है, लेकिन मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है। COVID-19 की चपेट में आकर देश में अब तक कुल 1,42,186 मरीजों की जान जा चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में अब कोरोना के कुल एक्टिव मामले 3,63,000 रह गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,398 नए केस सामने आए, जबकि 414 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं इस दौरान 37,528 कोरोना मरीज ठीक हुए। आंकड़ों के मुताबिक नए मामलों के साथ कोरोना के मरीजों की कुल संख्या बढ़कर अब 97,96,000 हो गई। इनमें से 92,90,000 से ज्यादा कोरोना मरीज इस महामारी से जंग जीतकर ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 94% से ज्यादा है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां कोरोना का रिकवरी रेट 95% को पार कर गया है, जबकि संक्रमण की दर 3% से नीचे आ गई है। दिल्ली में गुरुवार को 24 घंटे में 1,575 नए केस सामने आए।